इंटरनल एनर्जी। तो लेट्स सी इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है। सपोज करो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर पे, क्या मतलब इसका, ये ज्यादा टेम्परेचर पे इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप सोचेंगे क्या मतलब, क्या ज्यादा टेम्परेचर मतलब ये हॉट होगा, ये हॉटर होगा, ज्यादा गर्म होगा, और ये कम टेम्परेचर है तो ये कम गर्म होगा। तो टेम्परेचर को जनरली हम डिग्री ऑफ हॉटनेस रिलेट करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा मतलब गर्म ज्यादा, टेम्परेचर कम मतलब गर्म कम, ठीक। लेकिन मॉलिकुलर लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे इनके अंदर क्या चल रहा होता है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे सब के सब अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये ऐसे वाइब्रेट, सब वाइब्रेट कर रहे होंगे। जब इसको हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 100 हो गया। अभी भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स अभी भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन अब इन मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ज्यादा हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। अब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ज्यादा कस कस कर वाइब्रेट कर रहा होगा, ऐसे ज्यादा वाइब्रेशन हो गए। तो अगर कोई चीज लेस टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम वाइब्रेट कर रहे हैं, कम वाइब्रेट कर। कोई चीज अगर ज्यादा टेम्परेचर पे है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इज हाई, इट मीन्स मोर वाइब्रेशन। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है इस सब्सटेंस के पास, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम इस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो क्लियरली इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसको इंटरनल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो सब्सटेंस के अंदर के मॉलिक्यूल्स, इंटरनल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। इसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो एनर्जी है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर कम तो ये एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा तो ये एनर्जी भी ज्यादा, तो इसलिए इसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। जैसे देखें, अगर कोई ब्लॉक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब बहुत गर्म है, तो उसको टच करने पे आपको गर्म फील होता है। कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब बहुत ठंडा है, इसको टच करने पे आपको ठंडा फील होता है। तो कैसे आपको ये फीलिंग आती है, क्या होता है, क्या होता है कि ये 100 पे है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक। आपके हाथ का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तो आपके हाथ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, वो कम ऑसिलेट कर रहे होंगे, कम ऑसिलेट कर रहे होंगे कंपेयर टू दिस। तो जब आप टच करते हो इस ब्लॉक को, टच करते हो, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है जो बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं, वो कोलाइड करते हैं आपके फिंगर के मॉलिक्यूल्स के साथ। और जब फिंगर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो फिंगर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बढ़ जाती है, फिर वो भी ज्यादा ऑसिलेट करने लगते हैं, ज्यादा ऑसिलेट करने लगते हैं, तो आपके फिंगर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको गर्म फील होता है। यहां पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम ऑसिलेट कर रहे होते हैं, बहुत कम ऑसिलेट कर रहे होते हैं, बहुत कम। आपके फिंगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लॉक से ज्यादा ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ब्लॉक के मॉलिक्यूल से ज्यादा ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो फिर से जब आप टच करते हो, तो आपके फिंगर के मॉलिक्यूल्स और अंदर के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का कोलिजन होता है आपस में, कोलिजन। और अब क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल अंदर वाले के साथ कोलाइड करेगा, उसको एनर्जी देगा, उसको एनर्जी देगा, इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो कोलिजन के बाद ये कम ऑसिलेट करेगा, कम ऑसिलेट करेगा, आपके फिंगर के मॉलिक्यूल्स कम ऑसिलेट करेंगे, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा आपके फिंगर का, तो आपको ठंडा फील होगा, ऐसा कुछ होता है। हीट एनर्जी, तो हमने देखा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अब हीट एनर्जी के बारे में देखेंगे। सपोज वो दो ब्लॉक्स है हमारे पास, ये जो ब्लॉक है वो कम टेम्परेचर पे है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये जो ब्लॉक है बी, वो ज्यादा टेम्परेचर पे है, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। अब अगर हम इन दोनों ब्लॉक को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा, सोचिए आप। बी के ये जो मॉलिक्यूल्स है इस एज पे, वो ए के इधर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब इन दोनों में कोलिजन होगा, कोलिजन। जब इन दोनों का कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये हाई एनर्जी वाला है और ये लो एनर्जी वाला है, तो जब कोलिजन होगा तो ये कुछ एनर्जी इसको दे देगा, कुछ एनर्जी इसको दे देगा, जिसके कारण इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा और इसका वाइब्रेशन कम होगा। वैसे इस एज के राउंड हर जगह यही होगा, ये इससे जब कोलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये इसको एनर्जी दे देगा, तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और इसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी, सही है ना।
तो हम बोल सकते हैं इनर्जी इधर से इधर फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, क्योंकि इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और इधर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो हम बोल सकते हैं इनर्जी इधर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और आप देखो यहां का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा क्योंकि यहां वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं और यहां वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं, तो यहां का टेम्परेचर कम होने लगेगा। काफी देर बाद क्या होगा, काफी देर बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये भी 50 पे आ जाएगा और ये भी 50 पे आ जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब कोई फ्लो नहीं होगा एनर्जी का, क्योंकि इधर जितने तेज से वाइब्रेशन हो रहा है उतने तेज से इधर भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो अब कोलिजन होने पे एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक। अब देखो हीट एनर्जी क्या होती है, ये जो एनर्जी फ्लो कर रही थी ना, ये जो एनर्जी फ्लो कर रही थी वो हीट एनर्जी है। तो हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी फ्लोइंग, इंटरनल एनर्जी फ्लोइंग इज कॉल्ड हीट एनर्जी, ओके। अब ध्यान से देखें, यहां कंफ्यूज होना बहुत आसान होता है। जैसे आप देखो यहां पे इंटरनल या थर्मल एनर्जी है, यहां पे भी इंटरनल या थर्मल एनर्जी, बट इट्स वेरी क्लियर कि जो इंटरनल एनर्जी है वी की वो ज्यादा है इंटरनल एनर्जी ए से, ठीक। इसमें ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं मतलब इसकी ज्यादा इंटरनल एनर्जी, बट इन दोनों के पास ही कोई हीट एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी जीरो। हीट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो फ्लो कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है, यहां कोई एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए हीट एनर्जी हम जीरो बोलेंगे, सही ना। अब देखो इस केस में एनर्जी फ्लो कर रही है, तो ये जो ग्रीन वाली एनर्जी फ्लो कर रही है वो हीट एनर्जी, तो इस केस में हीट एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में आप आओ, इसमें वापस से फ्लो बंद हो गया, तो हम वापस से बोलेंगे कि हीट एनर्जी जो है वो जीरो होगी। और अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इसमें दोनों की इंटरनल एनर्जी बराबर होगी, सही है। तो आप पॉइंट को समझे, इसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी थी, इसके पास कम इंटरनल एनर्जी थी, जब दोनों को हम कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं तो यही एनर्जी फ्लो हो रही है, यही एनर्जी फ्लो हो रही है कॉन्टेक्ट में लाने पर, और यही एनर्जी जब फ्लो होने लगती है, फ्लो होने लगती है, इस फ्लोइंग एनर्जी को हम बोल देते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। अब समझ रहे हो बात, यहां पे कोई हीट एनर्जी नहीं है क्योंकि यहां फ्लो नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, इसके पास ज्यादा इसके पास कम, लेकिन यही एनर्जी जब फ्लो करने लगती है तो इसको हम हीट एनर्जी का नाम देते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट ऐसा ही है। तो हीट एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हीट एनर्जी इज एनर्जी flowing between objects due to temperature difference. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे, तो क्लियरली हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट हों, उनका टेम्परेचर सेम हो, तो क्या यहां पे कोई हीट का फ्लो होगा, नो, यहां पे कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेन देर इज नो हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज, वेन देर इज नो हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज, दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चीज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर भी होता है जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी उसका बस एक लॉ देखते हैं। इसके और भी बहुत लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे न्यूटन के बहुत सारे लॉज होते हैं मैकेनिक्स में, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे लॉज होते हैं। तो उसमें से जो सबसे सिंपल लॉ होता है उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ, वो हम यहां पे देखेंगे, बाकी लॉज हम ये चैप्टर पढ़ते टाइम ही देखेंगे। देखो ये लॉ क्या बोलता है कि सपोज करो तीन ब्लॉक है हमारे पास ए बी सी, ब्लॉक को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनके बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इनके बीच में कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है, अगर ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, देन ए एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी इन दोनों के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इनके बीच में भी कोई हीट का फ्लो नहीं होगा,
मतलब ये लॉ बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है और इन दोनों के बीच में कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है तो इनके बीच में भी हीट का फ्लो नहीं होगा, दिस इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप देख सकते हैं बड़े ऑब्वियस और सिंपल टाइप का लॉ है, कोई खास बात नहीं है इसमें, क्योंकि इनके बीच में फ्लो नहीं हो रहा है मतलब इनका टेम्परेचर सेम होगा, इनके बीच में फ्लो नहीं हो रहा है मतलब इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा। तो फिर उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, इसलिए इनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होगा। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि इस लॉ को जीरोथ लॉ क्यों बोला गया, जीरोथ लॉ, यू नो जनरली होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये जीरोथ लॉ कहां से है? तो एक्चुअली क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के और भी बहुत सारे लॉज होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, ऐसे कई सारे लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो ये सारे जो लॉज होते हैं ये पहले डिस्कवर हुए थे, साइंटिस्ट लोगों ने इनका पहले पता लगाया था, बाद में इस लॉ के बारे में पता लगा, इस लॉ के बारे में बाद में पता लगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार ये लॉ बाद में पता जरूर लगा है लेकिन ये सबसे बेसिक और सिंपल लॉ है इसलिए सबसे पहले आना चाहिए। तो उस टाइम तक फर्स्ट और सेकंड लॉ सब डिफाइन हो चुके थे तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ का नाम दे दिया गया ताकि ये सबसे पहले आए। जैसे किसी ब्लॉक को अगर हम फायर के ऊपर रख के हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको, तो भी क्या हो रहा है, ये जो फ्लेम होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और जो ब्लॉक है वो लो टेम्परेचर पे, तो ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, तो हीट का फ्लो हो रहा है ऐसे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली क्यू सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहां से जो हीट का फ्लो हुआ है दैट इज 100 और यूनिट होती है उसकी जूल। हीट इज एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वैसे हीट की यूनिट भी जूल है। हालांकि हीट के लिए एक और यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैलोरी, कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। तो जैसे क्यू अगर हम निकला है 100 जूल तो कैलोरी में आएगा 1 hour, जूल जो है दैट इज एसआई यूनिट, तो हम जनरली जूल का ही यूज कर रहे होंगे। अब यहां पे इस ब्लॉक को हीट दी जा रही है, हीट दी जा रही है जैसे कि 100 जूल की हीट दी गई, तो अब इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री से बढ़ेगा, 2 डिग्री से बढ़ेगा, 10 डिग्री से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, कैलोमेट्री। तो कैलोमेट्री वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब किसी चीज को हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है। सो लेट्स स्टडी कैलोरीमेट्री नाउ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, लेट्स सी व्हाट इट इज। सबसे पहले एक ब्लॉक है मेरे पास, इसका हम मास एम ले लेते हैं, इसको एक फ्लेम के ऊपर रखे हम इसको हीट कर रहे हैं, तो इस फ्लेम से इसमें हीट फ्लो हो रही होगी और सपोज करो इसका टेम्परेचर टी है जो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन होती है कि क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज ऑब्वियसली द चेंज इन टेम्परेचर, एस इज अ कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो ये क्वेश्चन ये बता रही है कि अगर डेल्टा टी ज्यादा है, डेल्टा टी ज्यादा है तो क्यू भी ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा टी ज्यादा है मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो हीट भी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। सही है, वही ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि डेल्टा टी ज्यादा है तो क्यू भी ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन ये भी बोल रही है कि एम अगर ज्यादा होगा मतलब ये मास अगर ज्यादा होगा तो भी क्यू ज्यादा होगा, ये भी लॉजिकल है क्योंकि इसका मास ज्यादा है मतलब ज्यादा सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है, ज्यादा सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट भी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। सही है ना, अगर ये ब्लॉक छोटा सा होता तो इसका मास भी कम होता तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हीट देनी पड़ती, अब ये बड़ा ब्लॉक है इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मोर मास मोर क्यू, वही बता रहे हैं। एफ इज एक्चुअली अ कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब अगर ये कॉपर का बना हुआ है तो उसके लिए कुछ एस की वैल्यू होगी, अगर ये आयरन का बना हुआ है तो उसके लिए एस की वैल्यू होगी, लेकिन कॉपर के लिए हमेशा ये एस की वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे कॉपर इंडिया में हो या चाइना में हो या अमेरिका में हो, कॉपर के लिए एस एक फिक्स्ड होगा, अल्मोनियम के लिए एस फिक्स्ड होगा लेकिन कॉपर अल्मोनियम के लिए अलग होगा। ठीक, इस एस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अगर मान लो एस ज्यादा है किसी चीज के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए एस अगर ज्यादा है, एस ज्यादा है मतलब ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सही है ना, एस अगर ज्यादा है तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। एस अगर कम है, एस अगर कम है तो क्यू भी कम आएगा, मतलब कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कम हीट सप्लाई।
एज ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू हीट। तो एस का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि किसी चीज का अगर एस ज्यादा होता है तो इसका मतलब है उसको गर्म करना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अल्मोनियम का जो एस होता है दैट इज अराउंड 900, और कॉपर के लिए जो एस होता है दैट इज अराउंड 400। तो आप देख सकते हो अल्मोनियम का जो एस है वो ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, अल्मोनियम को गर्म करना डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू कॉपर। अब ये जो एस है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट तो देखो एस को आप लिख सकते हो क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो आप समझ सकते हो कि यहां से जो यूनिट आ जाएगी एस की वो आएगी, क्यू के लिए हम जूल रख देंगे, एम के लिए केजी, और डेल्टा टी के लिए केल्विन। दिस विल बी दी यूनिट ऑफ एस, दिस विल एक्चुअली बी एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट होती है एस की। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल करें, तो ये एक आयरन का ब्लॉक है, 2 kg उसका मास है, आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है आपको, उसको हम हीट कर रहे हैं 100 जूल की एनर्जी सप्लाई करके। वैसी सिचुएशन कुछ कॉपर के लिए भी है, उसको भी सेम अमाउंट की हीट ही सप्लाई कर रहे हैं, बट उसके लिए आप देखें एस अलग है, एस अलग है, ठीक। सो दोनों का डेल्टा टी बताना है मुझे, दोनों का डेल्टा टी मतलब दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना बढ़ेगा ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम, तो हम पहले आयरन की बात करें तो ये इक्वेशन लगा देंगे क्यू इक्वल्स टू एम एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा क्यू बाई एम एस, क्यू इज 100, मास इज 2, अब देखें, और एस दिया हुआ है 470। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1.06 केल्विन। आप सॉल्व करके देखना इतना आ जाएगा। वैसे हम कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के लिए यही क्वेश्चन लगा देंगे क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू क्यू बाई एम एस, क्यू की वैल्यू 100, मास की वैल्यू 2 और एस की वैल्यू 400। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो विल गेट अराउंड 1.25 केल्विन, ऐसा आ जाएगा कुछ, सही है। सो आप यहां भी नोट कर सकते हो कि देखो आयरन के लिए, आयरन के लिए एस जो है वो ज्यादा था कंपेयर टू कॉपर, आयरन के लिए एस ज्यादा है। एस ज्यादा मतलब आयरन को का टेम्परेचर बढ़ाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, एस ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है टेम्परेचर बढ़ाना। तो आप देखो इसलिए आयरन का टेम्परेचर कम बढ़ा है कंपेयर टू कॉपर, आयरन का टेम्परेचर कम बढ़ा है ना, जबकि हीट हमने उतनी ही सप्लाई की। तो आयरन का एस ज्यादा है इसलिए उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाना डिफिकल्ट है, तो आप देखो उसका टेम्परेचर कम बढ़ा है कंपेयर टू कॉपर। एक और छोटा सा पॉइंट हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसमें ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो अब ध्यान दें एस को बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम इंटू एस को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और अगर हीट कैपेसिटी की यूनिट पूछी जाए तो क्या होगी, तो आप देखो हीट कैपेसिटी को आप लिख सकते हो क्यू बाई डेल्टा टी। इसका मतलब इसकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, क्यू की जगह पे हम जूल रख देंगे और डेल्टा टी की जगह पे केल्विन। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, कई बार क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दी होती है और लोग जल्दी जल्दी में उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो आप ध्यान रखें, ध्यान दें कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है या हीट कैपेसिटी, जनरली यही दिया होता है लेकिन कभी कभी ये भी दे देते हैं तो फिर गलती कर देते हैं लोग। जैसे देखो वाटर, आइस और स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी होती है, तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आता है क्वेश्चंस में, हालांकि जनरली दिया होता है क्वेश्चन में बट अगर याद हो तो अच्छा है। इसमें आप एक चीज और भी नोटिस करें कि H2O, H2O के जब स्टेट चेंज होता है, स्टेट लिक्विड सॉलिड गैस, तो हर स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या अलग अलग, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज करते हैं, स्टेट चेंज, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों स्टेट में से किसका टेम्परेचर बढ़ाना सबसे डिफिकल्ट है, तो आप क्या जवाब देंगे, किसका टेम्परेचर बढ़ाना सबसे डिफिकल्ट है। अब देखें वाटर का जो एस है वो सबसे ज्यादा है, तो मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना सबसे डिफिकल्ट काम होगा, और स्टीम का यानी गैसीय स्टेट का एस सबसे कम है, तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाना सबसे इजी काम होगा। लेट्स डू दिस एग्जांपल, ये एक रफ सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, फाइंड थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अब देखो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा क्या, ये आगे जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक। तो इस फ्रिक्शन के कारण कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये हमें पता करना है, तो क्या करेंगे देखिए आप, बड़ा सिंपल है, ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो ये स्पीड कम होगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी, तो ये ब्लॉक आगे जाएगा भी डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, और फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक।
तो यहां पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो आप देख सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वो आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, सो दैट इज -100। ये फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया इतना जूल। तो आपको पता होगा कि फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब यहां पे जो थर्मल एनर्जी बनेगी दैट इज 100 जूल, 100 जूल की थर्मल एनर्जी बनेगी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ 80% ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू हीट द ब्लॉक, फाइंड डेल्टा टी ऑफ ब्लॉक। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। कहने का मतलब है कि इतनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसका 80% जो है 80% इस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने के काम आता है। इस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना बढ़ा ये हमें बताना है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थर्मल एनर्जी उसका 80% यूज हो रहा है इस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो इस टेम्परेचर इस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को इफेक्टिवली जो हीट मिल रही है क्यू वो कितनी है, दैट इज 80% ऑफ 100, मतलब 80 जूल। तो ब्लॉक को 80 जूल की एनर्जी मिली। अब ये फॉर्मूला लगा दो आप, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो यहां से क्यू कितना है 180, मास दिया हुआ है 2, एस भी दिया हुआ है कितना 130, तो यहां से डेल्टा टी निकाल पाएंगे, दैट विल बी अवर आंसर। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप मुझे बताएं, एक क्वेश्चन बताएं कि मैंने आपको यहां बोला और मैकेनिक्स में पढ़ा भी है कि फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो हीट में या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां पे हमने देखा कि फ्रिक्शन के कारण ये जो ब्लॉक है इसका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, मतलब ये फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन लगने के कारण इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है, क्या मैकेनिज्म चल रहा है यहां पे? तो वही आपको सोचना है क्या हो रहा है यहां पे? मैं आपको बताता हूं। देखिए जो सरफेस है वो ऑब्वियसली रफ होगा, मतलब तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो रफ सरफेस है, और उस पर यह जो ब्लॉक रखा हुआ है वो भी रफ है, दोनों रफ है तभी फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है क्योंकि जो ब्लॉक था वो आगे जा रहा था विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आप सपोज करो कि ये जो ब्लॉक है इनिशियली इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो उसे समझने में ऐसा नहीं होगी, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो टेम्परेचर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स बहुत कम वाइब्रेट कर रहे होंगे, बहुत कम, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि रेस्ट ही टाइप पे, क्योंकि हमने टेम्परेचर बहुत कम ले लिया, तो बहुत धीरे धीरे ही ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट रेस्ट पे। अब देखो आप क्या होगा, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा आगे, ठीक, तो यहां पर घिसन होगी, ब्लॉक और सरफेस क्या होंगे, घिसेंगे, जब आगे जाएगा तो यहां पे घिसन होगी रफनेस के कारण, तो आप घिसेंगे तो आप सोचो बिल्कुल एज पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल एज पे यहां पे बिल्कुल ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल कोने पे, वो घिसेंगे जब सरफेस से तो वो जॉल्ट होंगे, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, हिल जाएंगे वो, सही है ना। जब ये मॉलिक्यूल घिसता हुआ आगे जाएगा सरफेस पे तो ये हिल जाएगा और ऑसिलेट करने लगेगा, तो इस तरह ये सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे पहले से, फिर ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो अंदर वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो उनको भी एनर्जी देगा, तो वो भी ज्यादा ऑसिलेट करने लगेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है वो ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके उसको भी ज्यादा ऑसिलेट कराएगा, तो आप देख सकते हो कि फाइनली क्या होगा, अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अब ज्यादा वाइब्रेट करने लगे, तो अगर वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगे हैं इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, दैट्स इट। तो इस तरह फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। तो इनिशियली हमारे पास ये सिचुएशन थी कि ब्लॉक आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली, और जो मॉलिक्यूल्स थे वो कोई खास वाइब्रेट नहीं कर रहे थे या थोड़ा मोड़ा वाइब्रेट कर रहे थे। फाइनली हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ब्लॉक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं और ब्लॉक फाइनली रेस्ट पे आ जाता है ओवर। तो क्योंकि अंदर ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। अगर आप इसको इंटेलिजेंटली देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या हुआ है। पहले इस ब्लॉक के पास एज अ होल काइनेटिक एनर्जी थी, एज अ होल ये आगे जा रहा था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब एज अ होल ये रेस्ट पे आ गया, तो एज अ होल इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब इसके मॉलिक्यूल्स के पास अंदर में काइनेटिक एनर्जी है, अंदर में। तो बेसिकली यहां पर यह हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटायर ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटायर ब्लॉक, पूरे ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू काइनेटिक एनर्जी
ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूल्स, इंटरनल मॉलिक्यूल्स। तो देखा जाता हूं, बोलते हैं फ्रिक्शन के कारण काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। देखा जाए टेक्निकली तो ऐसा नहीं हुआ है, जो काइनेटिक एनर्जी इस पूरे ब्लॉक के पास थी पहले, जिसके कारण वो आगे जा रहा था, अब वो नहीं रही, वो काइनेटिक एनर्जी अब अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को मिल गई है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि पहले एज अ होल ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब एज अ होल ब्लॉक के पास वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, वो अंदर चली गई मॉलिक्यूल्स के पास। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन यही काम करता है कि ब्लॉक के पास एज अ होल जो काइनेटिक एनर्जी होती है एज अ होल, उसको वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बना देता है। दैट इज व्हाट फ्रिक्शन डज। लेट्स डू दिस एग्जांपल। वाटर हमारे पास 5 kg, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना होता है। एक हीटर के ऊपर रख के वाटर को गर्म कर रहे हैं। हीटर का पावर दिया हुआ है 500 kW, ठीक है। और ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इसको 0 से 100 डिग्री तक हीट करने में कितना टाइम लगेगा, यही हमें बताना है। कितना टाइम लगेगा इसको गर्म करने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्या करेंगे हम यहां पे? देखें आप, पहले आप देखें कि वाटर का टेम्परेचर इतने बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम इसे निकालेंगे, क्यू इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास आ जाएगा एम इज 5, एस इज 4200 इंटू डेल्टा टी, दैट इज 100। इतना आ जाएगा, तो ये कुछ इतना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। मतलब इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हीटर को, तब ये काम होगा टेम्परेचर बढ़ाने वाला। अब देखो ये पावर का मतलब, देखो आप पावर का क्या मतलब है। हीटर का पावर 500 kW है, 500 kW मतलब 500 × 10³ W है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में हीटर जो है वो इतनी एनर्जी सप्लाई करता है, इतनी जूल। पावर अगर इतना है तो इसका मतलब होता है कि हीटर जो है 1 सेकेंड में इतनी हीट सप्लाई करता है। जैसे अगर 2 सेकेंड की बात की जाए तो 2 सेकेंड में वो कितनी हीट सप्लाई करेगा, 2 × दिस मच, ठीक है ना। तो हमें इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट सप्लाई करने में हीटर को कितना टाइम लगेगा इतनी हीट सप्लाई करने में। अब देखिए, इट्स वेरी सिंपल, 500 kW सप्लाई करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 21 × 10⁵ जूल एनर्जी सप्लाई करने में उसको लगेगा 1/500 kilo × 21 × 10⁵। सिंपल यूनिटरी मेथड, तो ये देगा 21 × 10⁵ डिवाइड बाई 500 × 10�³। दिस विल बी इक्वल टू 4.2 सेकेंड्स। दिस इज आवर आंसर, इतना टाइम लगेगा पानी को गर्म करने में। ओके, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, यहां पे मेरे पास कुछ आइस है जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस आइस को हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इस आइस को, क्या होगा? इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो यहां पे हम एक ग्राफ बनाएंगे, यहां पे एक्स एक्सिस पे मैं क्यू प्लॉट कर रहा हूं, दैट इज हीट गिवन, और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूं टेम्परेचर, ठीक। तो इनिशियली जब हमने कोई हीट नहीं दिया था तो आइस का टेम्परेचर था -50 यहां पे, हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर -40 होगा, फिर -30 होगा, ऐसे चलता रहेगा, बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर 0 हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक। देखो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, 0 आ गया। जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 0 आ गया, सही है। अब हम फर्दर हीट देते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि अब इसका जो टेम्परेचर है 0, वो चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा ग्राफ मिलता है कुछ इस टाइप से, आप हीट देते जा रहे हो, क्यू देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया 0 पे। तो इस दौरान ऐसा पाया जाता है कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर में। कहने का मतलब है कि यहां पे तो हमारे पास आइस थी पूरी, ठीक है, तो हमने हीट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 आया। 0 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये वाटर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 0 पे आ गया ये। अब हम जब इसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, और यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे हम इधर जा रहे हैं आइस कम हो रहा है और वाटर जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो धीरे 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 आइस कन्वर्ट होते 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 पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे हमारे पास वाटर है, यहां पे हमारे पास फुल्ली आइस था, और यहां पे हमारे पास फुल्ली वाटर है, और बीच में हमारे पास क्या था, आइस और वाटर का मिक्सचर।
हीट हम अभी सप्लाई करते जा रहे हैं, तो अब पाया जाता है कि इस वाटर का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते सपोज करो वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब 100 डिग्री अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो अब पाया जाता है कि 100 डिग्री पहुंचने के बाद जब हम फर्दर हीट देते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अब पाया जाता है कि जो वाटर है